and welcome back in my new vlog. And so इस बार भी 1 month हो गए मेरे को नहीं डाले हुए vlog. I know. और because of paper चल रहे थे इस टाइम सबके, तो अब तो बिल्कुल free हैं. अब तो vlogs भी आएंगी, शायद से vines भी आएंगी. So आज हम जा रहे हैं by the way science museum, और आज is Saturday. So चलते हैं science museum, फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पे. गाइस अभी हम फिलहाल साइंस म्यूजियम पहुंच गए हैं. आपको साइंस म्यूजियम का दिखाता हूँ, बट यहाँ पे बहुत भीड़ है. हम सेकंड सैटरडे के दिन आए थे, भीड़ के हमारे हालत ख़राब है यहाँ पे. तो अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भीड़. आप देख सकते हो नेशनल साइंस म्यूजियम, और यहाँ पर गाइस भीड़ देखो यहाँ पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कूल के बच्चे आए हुए हैं नेशनल साइंस म्यूजियम. चलते हैं अंदर. तो गाइस यहाँ पे एंट्री टिकट एक बंदे की 60 रुपीज़. अगर आपको और का भी पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो. यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, और यहाँ पे ज़्यादातर तो लोग स्कूल से ही आए हैं. और ये आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं. तो अभी तो वहाँ पर टिकट काउंटर है, वहाँ से वहाँ पर टिकट ले रहे हैं, फिर चलेंगे अंदर. फाइनली टिकट हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं. पर दोनों मास्क लगा रहा, मास्क के बिना शायद से एंट्री नहीं होगी, नहीं हो रही है. चलते हैं अंदर. ये मैजिक डैम, और यहाँ से कहीं से पता नहीं चल रहा पानी कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा, पर पानी भरे जा रहा है. अभी आपको दिखाते हैं वो जगह. आइए चलते हैं ऊपर. सो गाइस ये आपको मैजिक डैम के बाद देखने को मिल जाएगा. ये इसमें पियानो टाइप सा बजता रहता है अगर आप इसमें बजाओगे तो. सो बाय द वे अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या है. सो यहाँ पे एक बॉल घूमती है. सो ये है एकदम फ्रेश वाटर एक्वेरियम. यहाँ पे आप देख भी सकते हो फिशेस तैर रही हैं काफ़ी सारी. सो ये एकदम फ्रेश वाटर आप देख सकते हो, इतनी सी भी इसमें धूल नहीं दिखेगी आपको. सो अभी चलते हैं आगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको. सो गाइस ये है सूर्य मंदिर का. यहाँ पे पूरा साइंस म्यूजियम के अंदर बन रखा है, और ये इतना रियल लग रहा था कि हम असलियत में सूर्य मंदिर के अंदर आ चुके हैं. ये देखो आप यहाँ पे दीवार पर कितनी सारी वो बन रखी है स्टैचूस, और ये आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा व्हील है यहाँ पे. और यहाँ पे आप अपनी राशि देख सकते हो. ओ मैंने तो देखी नहीं यहाँ पे अपनी राशि. तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का. हमारी हिस्ट्री ये है गोला यंत्र, और यहाँ पे आप पूरा एक कल्चर देख सकते हैं हमारा, ये पूरा है. तो अभी चलते हैं आगे और आपको आगे का चलते हैं आगे. फिर भाई ये हड़प्पा है, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे हड़प्पा की टेक्नोलॉजी. तो ऐसे हड़प्पा के टाइम में ऐसा ऐसा होता था बहुत ज्यादा. वो यार क्या मस्त बना रखा है ये, एकदम रियल रियल लग रहा है. बनाए हुए माला है, और ये कुछ शास्त्र है ये देख सकते हैं. ये बनाए थे उस टाइम पे, हड़प्पा वाले टाइम पे ये बनाए गए थे, और ये पूरा कल्चर रिप्रेजेंट किया गया है. ये देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी के बनाते थे, और ये पूरा वैक्स बना हुआ है, एकदम रियल लग रहा है इसे सब कुछ. चलो चलते हैं आगे. और ये कौन सी जगह है, जगह को नाम ये कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे इधर इधर. चलो भाई आगे चलते हैं. सो गाइस इसमें होता है बजाने का कुछ. सो गाइस तो मेरे समझ में तो आ नहीं रहा ये क्या है. सो अभी चलते हैं आगे. और वाओ पहले केमिकल बनते थे, जो केमिकल बनते थे ये पुराने टाइम के केमिकल की जगह है. यहाँ पे पहले केमिकल बनाए जाते थे, जैसे आज लैब में बनाए जाते हैं वैसे सिस्टम में पुराने टाइम में बनाए जाते थे. सो गाइस ये है पुराने टाइम की भट्टी. यहाँ पे पहले लोहा पिघला के यहाँ पे हथियार बनाए जाते थे. लोहा पिघला के पहले इधर आग लगती थी, फिर इधर ऐसे ऐसे कुछ होता था. यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके. सो अभी हम चलते हैं आगे. सो गाइस ये है कुछ पुराने टाइम के अस्त्र, जो कि पुराने टाइम पर यूज़ किए जाते थे, जो कि आज साइंस म्यूजियम में रखे हुए हैं.
और ऐसे कुछ करके यहाँ पे पुराने टाइम पे अस्त्र बना करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ होता था। अब ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैंने इधर जूम भी कर दिया है। सो अभी हम चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं कि आगे क्या क्या। सो गाइस, ये प्राचीन टाइम की बनी हुई मूर्ति है जो कि आज साइंस म्यूजियम में रखी हुई है, और यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। सो गाइस, ये है टेक्सटाइल सेक्शन। यहाँ पे पुराने टाइम पे कैसे कपड़े बनाए जाते थे ये दिखाया गया है। यहाँ पे इसका पूरा कल्चर रिप्रेजेंट किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस, ये है कॉइन सेक्शन। यहाँ पे बताया गया है पुराने टाइम पे कैसे कॉइन्स बनाए जाते थे। यहाँ पे पहले तो पिघलाया जाता था, फिर एल्यूमिनियम को यहाँ पे पिघला के ये देख सकते हो आप कॉइन बनाए जाते थे। यहाँ पे पहले ऐसा कुछ प्रोसेसर होता था, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो अभी चलते हैं आगे। सो गाइस, ये है उस टाइम के कैनन, प्राचीन टाइम की। यहाँ पे पुराने टाइम पे कैनन यूज करी जाती थी। सो गाइस, हमारे यहाँ 700 स्टूप पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ये है पूरा 700 स्टूप, और ये यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो, मैंने थोड़ा दिखा दिया। सो अभी चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। सो गाइस, ये है अशोक स्तंभ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अशोक पिलर, ये आप देख सकते हो पूरा, और ये काफी अच्छा बना हुआ है। सो चलते हैं अभी आगे और आगे देखते हैं। सो गाइस, अगर आप अपना हैंड इस ग्रीन लाइट के नीचे लाओगे तो आप अपनी कहीं की भी नस देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरी नसें यहाँ पर दिख रही है इस साइड पे। सो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या है। सो ये इसका नाम आप पढ़ सकते हो। साइकिल साइकिल वो मारी सोना नी साइकिल। गजब बेइज्जती है। अभी मजा आएगा ना वीडियो में।
एक शाकाहारी डायनासोर था जिसके शरीर पर पिंज की कतारें उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करती थी। आपके सिर पर मंडराता हुआ टेरानोडॉन था एक उड़ने वाला डायनासोर। देखना।
चला एंड सो गिरा हुआ। हम दोबारा मिरर मेज में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखो होता है यहाँ पे, और एक होता है होलो शो। होलो शो है हमारा 450 का एंड 3D शो है हमारा 430 का एंड अभी 320 हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ के आराम से वेट कर रहे हैं और थोड़ा ऐसे घूम तो फिर रहे हैं थोड़ा बहुत। सो सोच रहे हैं कि दोबारा एक बार ऊपर जाएं, देखते हैं क्या करते हैं। हमें अभी दिखा, हम इधर से ऊपर से आ जाते तो ये हमें दिखा, और यहाँ पे वाटर के बारे में बताया गया है। ये आप पढ़ सकते हैं शॉप पर। फाइनली हम 3D शो के अंदर एंटर हो चुके हैं। अभी 3D शो चलेगा और हमें यहाँ पे ग्लासेस दे दिए गए हैं, और यहाँ पे आके AC चल रहा है तो ऐसा लग रहा भाई क्या है, सुकून मिला क्योंकि बाहर तो पंखे ही चल रहे थे, गर्मी सी लग रही थी थोड़ी, थोड़ा ऊपर नीचे भी कर रहा था। AC चल रहा है, बड़ी राहत मिली है ना। हमारी है सबसे पीछे की सीट। सो अभी आपको सामने का दिखाते हैं, फिर 3D शो दिखाएंगे आपको, यानी कैसा होगा। फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हमारा होल शो, देखते हैं फिर क्या है। शो तो खत्म हो गया है, अभी हम आए हैं होलो शो देखने। अब हम थोड़ा सा लेट हो गए, यहाँ पे पहले से ही सब लोग आके बैठ चुके थे,
तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब सामने शो चलेगा तब हम देखेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं चलेगा थोड़ी देर में। अभी 4:50 पे हम 4:49 पे आ गए ऊपर से। सो मिलते हैं आपसे शो चलने के टाइम पर। अभी हम साइंस म्यूजियम से तो निकल चुके हैं, और होलो शो तो मेरे को वाइस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, क्योंकि उसमें सब कुछ वो था जो मैंने पढ़ रखा है। सो मेरे को बोरिंग लगा और मैं आ गया। सो अभी हम बैठ चुके हैं कैंप में घर जाने के लिए। सो मिलते हैं सीधा से घर पे। वाइस फिलहाल हम आ चुके हैं साइंस म्यूजियम से घर पे, एंड यहाँ मैंने टीका लगवा रखा है क्योंकि फागुन के मेले इस टाइम चल रहे हैं खाटू श्याम के। तो रोड पे जागरण हो रहा था, वहाँ पे हम मत्था टेक के आ गए खाटू श्याम के। सो काफ़ी अच्छा साइंस म्यूजियम, आप जा सकते हो वहाँ पे, विजिट कर सकते हो, और काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें बनी हुई थी उसके अंदर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।